गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर मूव करेंगे। देखते हैं किसमें से क्या है। जैसे कि हमने कुछ लेक्चर्स में डिस्कस कर रखा था कि डेट की इम्पोर्टेंस क्या होती है, जितने भी हिस्टोरियंस होते थे उन्होंने डेट्स कैसे लिखा, क्यों लिखा, और डेट्स किन किन जगह पर डेट्स लिखी जा सकती है, कहाँ पर डेट लिखना मुश्किल है। फिर हमने आगे आते हुए देखा था कि कैसे किसी भी चीज़ को डेट से डिनोट करना भी बहुत ही मुश्किल होता है। फिर इसके बाद हमने जेम्स मिल के विषय में पढ़ा था, जो ज़्यादातर उसी के विषय में डिस्क्राइब किया गया इस चैप्टर में। और ये आप जानते हैं कि जेम्स मिल ने कैसे डिस्क्राइब किया था हिस्ट्री को, उसने इंडिया की हिस्ट्री किस तरह 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, उसने एक कास्ट कह सकते हैं रिलीजन के अकॉर्डिंग उसने किसी भी हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया उसने। और इंडिया हिस्ट्री कैसे डिवाइड कर दिया, मुस्लिम को रख लिया, हिंदू को रख लिया, और किसी को रख लिया उसने, ब्रिटिश पीरियड को रख लिया। तो क्या हमने पढ़ा था क्या इस तरह डिवाइडेशन करना क्या सही है? बिल्कुल ही सही नहीं होता इस तरह डिवाइडेशन करना। फिर हमने देखा था कि जो इंडियन हिस्टोरियंस होते हैं उन्होंने इतिहास को किस तरह डिवाइड किया था, या अदर हिस्टोरियंस की बात की जाती है उन्होंने किस तरह डिवाइड किया था हिस्ट्री को, उन्होंने अर्ली पीरियड, मिडल पीरियड और मॉडर्न पीरियड में डिवाइड किया था, जिस जो बहुत ही सही सिक्वेंस कहा जा सकता है कि इस तरह सही डिवाइडेशन किया गया उनका। तो उसी तरह जेम्स मिल को आगे और हम देखेंगे अभी कैसे उन्होंने क्या और किया है, क्या क्या चाहते थे वो यहाँ पे, और वो क्या चाहते थे जेम्स मिल। जैसे कि मैंने कहा था कि उन्होंने क्या एक मैप यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा मैप भी तैयार कराया गया था, और मैप इसलिए तैयार कराया जा रहा था यहाँ पर कि देख सकें कि भारत की कंडीशन कैसी है और हमें कैसे रूल करना है यहाँ पर, और क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर शासन करने के लिए। तो उन्होंने इन सब चीज़ों को यहाँ पर तैयार कराया था, मैप भी उन्होंने तैयार कराया। फिर देखें सोशल लाइफ, ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया, कहते हैं वो क्या सोच रहे थे, मिल यही सोच रहे थे कि अगर कोई इंडिया को सब बना सकता तो कौन बना सकता था, वो सिर्फ ब्रिटिश ही थे। क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि जो भारत में शासन कर रहे थे उस समय, तो कौन शासन कर रहे थे, वो मुस्लिम कर रहे थे, हिंदू कर रहे थे, और हिंदू मुस्लिम जो शासन कर रहे थे तो किस पे शासन कर रहे थे, वो रिलीजन पे था उनके अकॉर्डिंग। यानी मिल सोच रहे थे कि जितना भी अभी तक इन्होंने अपना शासन किया है तो किसके अकॉर्डिंग किया है, वो उन्होंने रिलीजन के अकॉर्डिंग किया है, ना कि उन्होंने किसी इस तरह। तो यही सोच रहे थे कि अगर इनके हमें इंडियंस को क्या करना है, सब बनाना, वो सोच ये यूरोपियन कल्चर ही थी। अगर किसी देश पे किसी गुलाम बनाते थे किसी भी कंट्री को, तो क्या कहते थे वो, उनका ओपिनियन होता था कि इनको हम क्या कर रहे हैं, सब बना रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं कर रहे थे, उसको वो लूट रहे थे। टू डू इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर, जहाँ पर भी बात आ गई यहीं पर कि हमें क्या करना, यूरोपियन मैनर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। आर्ट्स इंस्टीट्यूशन एंड लॉ ऑफ इंडिया, मिल इन फैक्ट सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश शुड कंकर ऑल द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, इंश्योर द इनलाइटमेंट ऑफ द हैप्पीनेस इंडियन पीपल। वो क्या सोच रहे थे कि इंडियन पीपल के लिए क्या करना पड़ेगा, इनलाइटमेंट यानी क्या होगा, उनके लिए कुछ नई चीज़ें, उनको ज्ञान प्राप्त होगा, किसके थ्रू, यूरोपियन कल्चर के थ्रू प्राप्त हो सकता है, उन्होंने ऐसा कुछ कहा। फॉर द इंडिया वॉज नॉट कैपेबल टू प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प, उन्होंने कहा कि जो इंडिया है कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता विदाउट हेल्प ऑफ द ब्रिटिशर्स, कि बिना हेल्प के ब्रिटिशर्स के कि डेवलप कर ही नहीं सकते। इन द आइडिया ऑफ द हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द सिविलाइजेशन, उन्होंने कहा कि जितने भी सिविलाइजेशन को सब अगर प्रोग्रेस करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी आवश्यकता पड़ेगी ब्रिटिश की। द ब्रिटिश द पीरियड बिफोर द ब्रिटिश रूल वॉच इन द डार्कनेस कैन सच एज द कंसेप्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट इंडिया। तो कहते हैं जो बिफोर द पीरियड ऑफ द ब्रिटिश रूल, तो क्या क्या जो उन्होंने कहा था कि अंधेरा छाया हुआ था, तो क्या सही था, कैन सच ए कॉन्सेप्शन वॉज स्केप टूडे, क्या इस तरह के कॉन्सेप्ट को सिलेक्ट किए माना जा सकता है। इन एनी केस कैन रिफर टू पीरियड ऑफ द हिस्ट्री हिंदू और मुस्लिम, कहते क्या इस तरह के कभी रिलीजन पे बेस्ड डिवाइड किया जा सकता था, डेड इट नॉट अ वराइटी ऑफ द फेथ एग्जिस्ट। उन्होंने कहा था किस तरह किसी भी चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी को धर्म से जोड़ करके नहीं देखा जा सकता है। वाई शुड बी करेक्टराइज एन एज हैव ओनली थ्रू द रिलीजन रूलर्स ऑफ द टाइम, क्योंकि जैसे हमने ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उन्होंने किसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया था, सिर्फ रिलीजन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया था। रिपोर्ट अदर नॉट वी शुड आल्सो रिमेंबर दैट इवन रूलर्स ऑफ एंशियंट इंडिया डिड नॉट शेयर द सेम फेथ, कहते हैं कि हमने एंशियंट पीरियड में देखा था कि वहाँ पर भी जितने भी रूलर थे वो सिर्फ एक ही फेथ को फॉलो करने वाले नहीं थे, वहाँ पे भी डिफरेंट रिलीजन के लोग थे, लेकिन फिर भी उस समय इंडिया अच्छी तरह से वर्क कर रहा था। मूविंग अवे फ्रॉम द ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री इनटू द एंशियंट, मिडवल एंड द मॉडर्न। इसी तरह यहाँ पर आपने देखा कि हिस्टोरियन ने क्या किया, बाद में इसको किस तरह डिवाइड किया गया, मिडवल, एंशियंट, मॉडर्न एंड मिडवल में डिवाइड कर दिया गया था। दिस डिवीजन हैज टू प्रॉब्लम, लेकिन इनको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। इट इज़ अ पीरियडाइजेशन, उन्होंने क्या कर दिया, जब पीरियड वाइज
इस पे देखा गया तो इसमें प्रॉब्लम आई थी। इससे बारो फ्रॉम द वेस्ट, ये कहाँ से लिया गया था, वेस्ट से लिया गया था, वेयर द मॉडर्न पीरियड वॉज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी। जहाँ पर इसे क्या कर रहे थे, मॉडर्निटी को प्राप्त थे, वो मॉडर्न की ओर जा रहे थे, वहाँ पर था साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, मिडवल वॉज, तो ये सब चीज़ों की बात हुई। मिडिल वाज द टर्म यूज फॉर द डिस्क्राइब सोसाइटी वेयर दिस फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट। और जो मिडिल पीरियड कहा गया है, ये सब चीज़ें क्या थी, वहाँ पर नहीं थी। कैन बी अनसर्टेनली स्केप दिस द करेक्टराइजेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ आवर स्टडी। क्या हम इस तरह डिवाइड करके इसको पढ़ सकते हैं, एज यू विल सी इन दिस द बुक, जैसे कि आप इस बुक में देखेंगे, अंडर द ब्रिटिश पीपल डिड नॉट हैव इक्वालिटी, फ्रीडम और लिबर्टी। कि ब्रिटिश के समय में क्या था, यहाँ पर इक्वालिटी, फ्रीडम और लिबर्टी नहीं थी। नर वॉज द पीरियड फ्रॉम द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, ना तो यहाँ पर कोई ज़्यादा इकोनॉमिक प्रोग्रेस इस तरह थी। मैनी हिस्टोरियंस देयर फॉर रिफर टू द पीरियड एज ए कॉलोनियल। इसको क्या कहा जाता है, कॉलोनियल कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कॉलोनियल, कॉलोनियल अगर होता क्या है। जैसे कि अगर हम कॉलोनियल की बात की जाए, तो भारत क्या था, ब्रिटिश का कॉलोनियल था, कॉलोनी था। इस तरह कैसे कॉलोनियल कंट्री, कॉलोनियल कंट्री होता क्या है, जब कोई देश जाकर के दूसरे पर आधिपत्य जमा लेता है और उसकी रिसोर्सेज कौन यूज करता है, कोई दूसरा देश यूज करता है, तो क्या कहलाता है, कॉलोनियलिज्म कहलाता है। और वो क्या करते हैं, उसके कल्चरल और रिलीजियस में क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। दैट कंट्री नोन एज अ कॉलोनियल कंट्री। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट दैट मैनी ब्रिटिश केम टू कॉन्क्वर द कंट्री ऑफ द एस्टैब्लिश्ड रूल। वो क्या करते थे, बहुत से ब्रिटिश यहाँ पर कह सकते हैं फाउंडर्स आए, उन्होंने क्या किया, कंट्री को जीत कर अपना शासन चलाया। दिस सब्जुगेटिंग लोकल नवाब ऑफ राजा, उस समय क्या था, जो लोकल नवाब राजा थे, यू विल सी दैट हाउ दे एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। को कैसे ब्रिटिश आते हैं और भारतीय पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, कलेक्ट रेवेन्यू, मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस। तो क्या करते हैं, अपने सारे एक्सपेंसेस चलाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। फिर क्या होता है, कलेक्ट रिवेन्यू फ्रॉम द मीट ऑल दैट एक्सपेंसेस। फिर यहाँ पर देखते हैं वो क्या करते हैं, बॉट गुड्स दे वांटेड एट द लो प्राइस। और क्या करते थे, खरीदते थे गुड्स को और उसको क्यों लो प्राइस में, प्रोड्यूस क्रॉप्स दे नीडेड फॉर द एक्सपोर्ट। और वो ऐसे क्रॉप को प्रोड्यूस करते थे जो उनको एक्सपोर्ट करने के लिए आवश्यकता होती थी। एंड यू विल अंडरस्टैंड द सेल्स दैट केम अबाउट एज अ कॉन्सिक्वेंसेस। क्या होता है, जो कॉन्सिक्वेंस लगातार लगातार जो लगे चले आते हैं, यू विल ऑल्सो केम टू नो अबाउट दैट चेंजेस। हर चेंज के विषय में भी देखेंगे कौन कौन से ब्रिटिश स्पीकर के समय आते हैं। एंड प्रैक्टिस व्हेन द सब्जेक्टिवेशन ऑफ द वन कंट्री ऑफ अनदर लीड्स टू दिस काइंड्स ऑफ द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चर चेंज, वी रिफर टू द प्रोसेस ऑफ द कॉलोनियलाइजेशन। हम उसे क्या करते हैं, जब इस तरह के चेंज आते हैं किसी के सोशल इकोनॉमिक पर, कल्चर पर, जब कोई चेंज लेकर गए हैं, जब रिश्ते ला कर लाए जाते हैं, तो क्या कहलाता है, कॉलोनियलिज्म कहलाता है। यू विल हाउ वी आर फाइंड दैट द चेंज क्लासेस ग्रुप डिड नॉट एक्सपीरियंस दिस चेंज सेम वे। कहता है इस तरह के जो एक्सपीरियंस, जो भी चेंज किए गए थे, वो एक साथ होकर के नहीं आए थे। दैट इज फाइव द बुक इज कॉल अवर पास्ट इन द प्लूरल। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पास्ट, अगर अतीत में झांकने की बात आती है, इसे कथन को पास्ट के विषय में जानने की बुक कहा जाता है इसे। हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं, सोशल हिस्टोरियंस वे आर राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। यानी कि हमें मालूम है कि इतिहास अगर लिखने की बात आती है, तो इतिहास को कैसे लिखा गया था, आपने देखा ही होगा, अर्ली पीरियड में पढ़ा था। अर्ली पीरियड में कोई याद करिए, यहाँ तो 250 साल की बात मात की जाती है, इसके पहले आप अर्ली पीरियड में चले जाइए, तो हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री को कैसे जाना गया, अगर हम वहाँ से कंपेयर करें हिस्ट्री को कैसे जाना गया, तो आपको मालूम चल जाएगा कि क्या होते थे, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड मिले थे। रिकॉर्ड क्या थे हमारे, बहुत से हमें शिलालेख वगैरह मिले थे, बहुत से बुक्स वगैरह मिली थी उसी समय हमें, तो हमें इससे मालूम चल जाता था, हमने हिस्ट्री को रिवाइड कर लिया था उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड से देखें, तो अंग्रेजों ने क्या चालू कर दिया था, अंग्रेजों की एक अच्छी हैबिट क्या थी, वो जो भी चीज़ें कुछ लिखा करते, जो भी चीज़ें देखते, तो उसको क्या करते थे, ऐसे रिकॉर्ड के रूप में हम ऐसे लिए रख लेते थे उन्हें, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कभी भी अगर आवश्यकता पड़ सकती है तो क्या कर सकते थे, उन्हें देख सकते थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, जितने भी उन्होंने ऑफिस वगैरह बनवाना चालू कर दिए, और ये क्या करते थे, सारे रिकॉर्ड को वहाँ पर रखते थे। जब रिकॉर्ड रख लिया जाता था, तो कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता था, उन्हें ईजिली फाइंड पढ़ सकता था, और कभी भी किसी भी सन के विषय में क्या कर सकते थे, हम ईजिली फाइंड आउट कर सकते थे कि इस समय वो घटनाएं हुई थी। तो ये उनकी सबसे अच्छी आदत कह सकते हैं, और ये काम किसने चालू कराया था, अंग्रेजों ने ही चालू करवाया था सबसे पहले। यहाँ पर एक जो फिगर में दिखाया गया है, मैं न्यू दिल्ली वाज बिल्ट, जब न्यू दिल्ली बनी थी, तो नेशनल म्यूजियम ऑफ द नेशन, उसमें देखे फर्स्ट लाइन वहाँ पर देखे, नेशनल आर्शिव ऑफ इंडिया का 1920। तो ये सबसे पहले जब बना था भारत में, कब बनाया गया था, 1920 में बनाया गया था, नेशनल आर्शिव की स्थापना यहाँ पर की गई थी।
सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट। सर्वे क्या होता था, सर्वे क्या करते थे, वो सर्वे इसलिए किया करते थे जैसे कि इन्होंने, क्योंकि मैंने बताया था इन्होंने एक मैप तैयार करवाया था, और मैप में क्या किया था, एक ब्रिटिश इंडिया का मैप। उसके तहत ये क्या चाहते थे कि हरे हमें भारत की पूरी लोकेशन का मालूम चल जाए, और लोकेशन का मालूम चल जाए तो क्या कर सकते थे, इजिली एसडी कर सकते थे उसके एरिया को। जब एरिया को इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, वहाँ की सोयल को जान जाएंगे, वहाँ के कल्चर को जान जाएंगे, वहाँ के पीपल्स को जान जाएंगे, और ये क्या कर सकते थे, ईजिली उनके अकॉर्डिंग क्या कर सकते थे, अपने आप को कर सकते थे, और उनके लिए आसान भी होता ये काम करना। और ये जान जाएंगे वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, सिचुएशन कैसी है, लोग कैसे हैं, डिमांड कैसी है उनकी, कैसा बैकग्राउंड है वहाँ पे। इसलिए क्या करते थे, सर्वे रखते थे, और ये सर्वे क्या करता था उनके लिए इम्पोर्टेंट होता था, वहाँ के लोगों का जीवन कैसा था ये सब। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या नहीं कहते थे इसमें से बात आती है। फ्रॉम दिस वॉज द कॉर्पस ऑफ द रिकॉर्ड्स वी कैन गेट न्यू लॉट ऑफ द, वी मस्ट रिमेंबर दीज आर द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट। लेकिन हाँ ये था कि हु कहते हैं व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, इसमें तो ज़्यादा नहीं कि कौन से एंड क्या ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं कहते थे, जो अगर देखा जाए तो रियलिटी में कुछ ऐसा नहीं था। रियलिटी क्या थी, वो जो चाहते थे वही लिखते थे, और हमें जितना इन्फॉर्मेशन मिलती थी जितना वो हम देना चाहते थे, इसके बाद तो कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले भी नहीं सकते था। दे वेर इंटरेस्टेड एंड दे विश टू प्रिजर्व प्रॉस्पैरिटी, और क्या चाहते थे कि प्रॉस्पैरिटी को लेकर के आए, लेकिन ये करते क्या, सिर्फ इनका काम हमारा क्या रहता है, सिर्फ देश को लूटना ही रहता है और कुछ नहीं रहता है। और इससे क्या हम कह सकते थे कि हमने क्या चाहा था, सिर्फ अपने आप को बनाना चाहा और कुछ नहीं था। अब देखेंगे अपने हिस्ट्री चैप्टर, वो हिस्ट्री कह रहे हैं सिविक चैप्टर सेकेंड की ओर मूव करेंगे।